जोधपुर शहर के प्रमुख कपड़ा बाजार त्रिपोलिया एवं मोती चौक व्यापार संघ एवं नई सड़क व्यापार द्वारा अपने अपने व्यवसाय को अनलॉक प्रक्रिया में शामिल करने हेतु शहर विधायक मनीषा पवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत जारी गाइडलाइन में निर्देशित अनलॉक प्रक्रिया का हवाला देते हुए लंबे समय से त्रासदी झेल रहे सभी व्यवसायियों के प्रतिष्ठान खुलवाने की मांग की गई। संघ के अध्यक्ष दीपक सोनी ने बताया कि जिस तरह से इंडस्ट्री, शराब, ऑप्टिकल, सब्जी, डेयरी एवं किराना व्यवसाय को छूट दी गई है, उसी प्रकार अब कपड़ा, ज्वेलरी व अन्य व्यवसाय को भी 1 जून से प्रतिष्ठान खोलने की राहत दी जाए। संघ के सचिव दिलीप जैन ने बताया कि हाल ही में संक्रमण दर पर मृत्यु दर से भी गिरावट आ चुकी है, वहीं दूसरी ओर वैवाहिक सीजन भी लगभग समाप्त हो चुका है, ग्रामीण ग्राहक का भी अब रुझान नहीं है। ऐसे में आपको बता दें, मार्केट में भीड़ भाड़ होने की संभावना भी पूर्णतः समाप्त हो गई है, इसलिए अब बहुत बड़ी आर्थिक हानि का शिकार हुए व्यवसायियों को व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान कर राहत देने की मांग की गई है। शहर विधायक मनीषा पवार को ज्ञापन सौंपते समय नई सड़क व्यापार मंडल के अध्यक्ष नवीन सोनी, त्रिपोलिया बाजार मोती चौक व्यापार संघ के पदाधिकारी, कोषाध्यक्ष धर्मचंद संचेती, संगठन मंत्री वीरेंद्र पटवा, उपाध्यक्ष राजेंद्र खत्री, शैलेश नाहटा एवं रंजन अरोड़ा उपस्थित थे। जोधपुर से लक्ष्मण मोतीवाल की रिपोर्ट। आज त्रिपोलिया बाजार संघ और नई सड़क व्यापार संघ के सभी प्रमुख लोग, दीपक जी, नवीन जी, सभी भाई लोग पधारे, और जिस तरह पूर्व में भी कोरोना काल में उन्होंने बहुत सरकार का और प्रशासन की मदद की कि किस तरह इस कोरोना काल में हम मदद करके कोरोना काल को यहाँ जोधपुर से ख़त्म करें, कोरोना को भगाने में उन्होंने जिस तरह मदद करी, आज फिर वही बात। काफ़ी लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है, दुकानें सब बंद पड़ी हैं, व्यापारी संघ पूर्णतया प्रशासन और सरकार का साथ दे रहे हैं इस कोरोना को ख़त्म करने के लिए, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे के बाद भी व्यापार बंद पड़ा है। व्यापार बंद होने से सभी के घर में जो कमी होती है आपको पता है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि सरकार के माध्यम से बातचीत करके कुछ समय के लिए इनकी दुकानें खोली जाए। मैं राज्य सरकार और प्रशासन से बात करके जरूर ये कोशिश करेंगे कि व्यापारी संघ को भी मदद मिले, व्यापार भी बढ़े, जाके इनके जो कामगार हैं उनको भी मदद मिले। लंबे समय से जोधपुर के भीतरी शहर के जो बाज़ार है, त्रिपोलिया बाज़ार, मोती चौक, भीतरी शहर में नई सड़क, दोस्ती गेट सभी बंद है, इसी के मद्देनजर रखते काफ़ी हालत ख़राब है व्यापारी की। आज मनीषा जी पवार हमारे MLA साहब को, हम सभी व्यापारी यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। 1 जून से जो मार्केट खुलाने की गाइडलाइन है उसमें हमारी तरफ से वो अपना पक्ष रखे और कैसे भी करके बाज़ार को खुलाए, ताकि जो हमारे व्यापारी में तकलीफ आ रखी है उनको जल्द से जल्द आश्वासन के साथ में बाज़ार खुलाने के लिए वो पूरा प्रयास करें, ताकि